अपनसत्ता का घरेलू उपचार। मोबाइल व ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन नपुंसकता ऐसी समस्या है जिसमें पुरुष संभोग के लिए पर्याप्त उत्तेजित नहीं हो पाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इरेक्शन प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह की समस्या के कारण हो सकता है। दरअसल जब प्राइवेट पार्ट में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है तो इससे वह उत्तेजित होता है, लेकिन लिंग में रक्त का प्रवाह उतना अधिक नहीं होता तो इससे व्यक्ति को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है। जब कोई पुरुष यौन उत्तेजित होता है तो यह शिशन की धमनियों के माध्यम से लिंग में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने की अनुमति देता है। यह रक्त लिंग के दो चैम्बर में भरता जाता है। जैसे ही चैम्बर में रक्त भर जाता है, लिंग कठोर होता जाता है, लेकिन कई बार कई शारीरिक व मानसिक समस्या के कारण इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और व्यक्ति संभोग के लिए पर्याप्त रूप से उत्तेजित नहीं हो पाता है। नपुंसकता दो तरह की होती है, मानसिक और शारीरिक। मानसिक नपुंसकता में कई बार पुरुष को एक परिस्थिति में सही उत्तेजना आती है जबकि दूसरी परिस्थिति में नहीं आती है। मिसाल के तौर पर जब वह मास्टरबेशन करता है तो उसे सही उत्तेजना आ जाती है और जब वह सहवास करता है तो सही उत्तेजना नहीं आती। शारीरिक नपुंसकता में किसी भी परिस्थिति में पुरुष को सहवास के योग्य सही उत्तेजना नहीं आती है। मानसिक नपुंसकता दिमाग से जुड़ी रहती है जिसमें भय, चिंता और हीन भावना मुख्य वजह होती है। शारीरिक नपुंसकता ज्यादातर जननांग में ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से, नर्व्स की गड़बड़ी से या हार्मोनल असंतुलन की वजह से आ सकती है। कमी का सही निदान करके नपुंसकता का इलाज आसानी से किया जा सकता है। नपुंसकता को दूर करने के आयुर्वेदिक उपाय। तूफान कैप्सूल और किंग कोबरा तेल आयुर्वेदिक उपाय है जो पुरुषों को बिस्तर पर उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इनमें मौजूद जड़ी बूटी वृषण कार्यों को बढ़ावा देती है और शुक्राणुओं के उत्पादन को बढ़ाती है। ये आयुर्वेदिक उपाय प्रोस्टेट ग्रंथि के सूजन को कम करते हैं और इसके स्वस्थ कार्यों को बढ़ावा देते हैं। यह उच्च वीर्य की मात्रा को बढ़ावा देते हैं और संभोग के दौरान पुरुष के लिए उत्तेजना बढ़ाते हैं। यह क्षतिग्रस्त नसों और ऊतकों की तेजी से मरम्मत को बढ़ावा देता है और उनकी ताकत और धीरज में सुधार करता है। तूफान कैप्सूल और किंग कोबरा तेल में जड़ी बूटियों और हर्बल तेलों का मिश्रण होता है, जैसे केसर, जावित्री, अकरपरा, अश्वगंधा, समुद्रफल, जायफल, कपूर, दालचीनी और कलौंजी। ये जड़ी बूटियां और हर्बल तेल सबसे प्रभावी तरीके से पुरुष सहन शक्ति को बढ़ाती है, नपुंसकता की समस्या को दूर करती है। यह जड़ी बूटियां पुरुष की कामेच्छा में वृद्धि करती है, शक्तिशाली इरेक्शन को बढ़ावा देती है और बिस्तर में लंबे समय तक रहने की शक्ति प्रदान करती है। अनार। प्रतिदिन अनार खाने से पुरुष जननेंद्रिय को बल मिलता है तथा उसकी शक्तियों में अपार वृद्धि होती है। नारियल। नारियल कामोत्तेजक प्रकृति का फल है, इसके सेवन से मर्दाना ताकत का विकास होता है। सूखा नारियल कद्दूकस में कसकर दाल, सब्जी, खीर, हलवा आदि में प्रयोग करें, इससे प्रजनन शक्ति का विकास होता है। गाजर। पुरुषत्व बढ़ाने के लिए गाजर को रामबाण औषधि माना जाता है। यह वीर्य को गाढ़ा करके कामशक्ति को बढ़ाता है।
गाजर का हलवा बनाकर खाने से खोई हुई मर्दाना ताकत भी लौट आती है। इसका सेवन नियमित रूप से करने पर नपुंसकता दूर हो जाती है। छुहारा। छुहारे को नपुंसकता को ठीक करने के इलाज के रूप में जाना जाता है। पुरुषत्व बढ़ाने के लिए नियमित दूध के साथ दो छुहारों का सेवन करें। बादाम। बादाम को भिगोकर दूध में उबालें, दो चम्मच शहद मिलाकर पिए। बादाम के सेवन से पौरुष शक्ति बढ़ती है। अमरूद। पके हुए अमरूदों को पीसकर दूध व देशी शक्कर मिलाकर छान लें, फिर उसे पिएं, इससे वीर्य व काम शक्ति बढ़ती है। आंवला। आंवले के रस में शहद मिलाकर पिएं, इससे संभोग शक्ति बढ़ेगी व पुरुषत्व का तीव्र विकास होगा। काजू। सूखे मेवे के रूप में काजू का प्रयोग करते रहने से तथा इसके साथ दूध अथवा काफी लेने से नपुंसक व्यक्ति में शक्ति का संचार होने लगता है। कटहल। कटहल के बीजों को घी में तलकर खाने से पुरुषत्व का विकास होता है। क्षितिज जननेन्द्रिय में भी उत्तेजना का आभास होने लगता है। जायफल। जायफल के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर खाने से मर्दाना शक्ति बढ़ती है। इसका इस्तेमाल रात को सोने से एक घंटा पहले करें। अजवाइन। 100 ग्राम अजवाइन को प्याज के रस में भिगोकर सुखा लें। रोज एक चम्मच मिश्री के साथ आधा चम्मच बनाया हुआ अजवाइन चूर्ण मिलाकर गुनगुने दूध के साथ लें। अजवाइन नपुंसकता को दूर करता है। तुलसी। 10 से 15 ग्राम तुलसी के बीज और 25 से 30 ग्राम सफेद मूसली लेकर चूर्ण बना लें। इसमें 60 ग्राम पिसी मिश्री मिलाकर सुबह शाम 5-5 ग्राम चूर्ण गाय के दूध के साथ लेने से नामर्द की दूर होती है। लहसुन। 200 ग्राम लहसुन पीसकर 60 ग्राम शहद में मिलाकर किसी शीशी में भर दें। 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से यौन शक्ति बढ़ती है और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। हल्दी। नीले ज्यादा पतला हो तो एक चम्मच शहद में आधा चम्मच पिसी हल्दी मिलाकर सुबह खाली पेट सेवन कीजिए। इस प्रयोग को नियमित रूप से करने पर संभोग करने की शक्ति बढ़ती है और नपुंसकता से छुटकारा मिलता है। इलायची। 2 ग्राम इलायची दाना, 1 ग्राम पिसी जावित्री, 5 पीसी हुई बादाम और 10 ग्राम मिश्री को मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को 2 चम्मच मक्खन के साथ सुबह खाएं। इस उपचार से स्पर्म काउंट बढ़ता है जिससे नपुंसकता दूर हो जाती है। उड़द दाल। आधा चम्मच उड़द दाल के साथ कोंच की 2 कोमल कलियां पीसकर दिन में 2 बार सेवन कीजिए। इस घरेलू उपचार से यौन शक्ति बढ़ती है। प्याज। यौन शक्ति बढ़ाने के लिए सफेद प्याज के रस में अदरक का रस, 5 ग्राम शुद्ध शहद और 5 ग्राम देशी घी मिलाकर रोज सुबह इसका सेवन करें। इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या से निजात मिलती है। जामुन। जामुन की गुठली को पीसकर चूर्ण बना लें और नियमित रूप से दूध के साथ सेवन करें। इस उपचार से नपुंसकता की समस्या दूर होती है। तूफान कैप्सूल और किंग कोबरा तेल। सौ प्रतिशत प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित। 1,00,000 से अधिक संतुष्ट ग्राहक। GMP प्रमाणित गुणवत्ता। संपूर्ण भारत में उपलब्ध। तूफान कैप्सूल और किंग कोबरा तेल की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ayushremedies.in पर जाएं और वीडियो को सोशल साइट्स पर शेयर करें।
क्या आप भी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं? यदि हाँ तो निशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श हेतु अथवा अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ें और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकन को प्रेस करें।